एक भालू इंसानी बस्ती में क्या घुसा, हंगामा मच गया। लोग भालू के पीछे भागे, फिर वन विभाग का पूरा दस्ता भागा, लेकिन कोई उसे पकड़ ना सका। आखिर कैसे पकड़ा गया ये भालू, आइए देखते हैं ऑपरेशन भालू का ये अनकट नजारा। भालू ने मचाया शोर, इलाके में मचा कोहराम, ऑपरेशन भालू का लाइव नजारा। अचानक लोगों ने देखा एक भालू को जो बैठा नजर आया एक सब्जी की दुकान के अंदर। खबर आग की तरह फैली और सब इस भालू को देखने के लिए अपने घरों से बाहर निकल आए। हर तरफ कोलाहल, शोर और भागम भाग। थोड़ी देर बाद ही मौके पर वन विभाग का पूरा अमला पहुंच गया। भालू को पकड़ने की कोशिश की जाने लगी। भालू डर से भागा और छिपने की कोशिश करने लगा और इसके साथ ही परेशानी और बढ़ गई। भालू को पकड़ने आई इस टीम की दिक्कतें इसलिए भी ज्यादा थी क्योंकि चप्पे चप्पे पर लोगों की भीड़ लगी। हर तरफ फैली अफरा तफरी के बीच भालू को पकड़ने का एक ही रास्ता बचा, इसे बेहोशी का इंजेक्शन दिया जाए। आखिरकार ऐसा ही करना पड़ा। भालू को ट्रैंकुलाइज किया गया और पिंच से बंद कर दिया गया। जब भालू बस्ती में था तो भी लोगों की भीड़ लगी और जब ये बेजुबान पिंजरे में कैद होकर बाहर निकला तो भी लोग इसे देखते रहे। लेकिन कैद में रहना भला किसे अच्छा लगता है, तो भालू महाशय गुस्से में पिंजरे पर ही अपना गुस्सा निकालते दिखे और इस बीच बाहर निकलने की कोशिश भी की। लोगों ने यहां से एक टीम रवाना की ट्रैंकुलाइजिंग गन के साथ और देर रात टीम को वहां स्थान पर पहुंचे हैं। उन लोगों के द्वारा काफी मशक्कत के बाद विपरीत परिस्थिति में उसको ट्रैंकुलाइज करने की कोशिश की, लेकिन काफी सुबह 6 बजे के आसपास उसको ट्रैंकुलाइज किया गया और उसको फिर रेस्क्यू करके अल्मोड़ा रेस्क्यू सेंटर में लाया गया है। जी हाँ, उत्तराखंड में बागेश्वर के गरुड़ में ऑपरेशन भालू कई घंटों तक चला। कुछ लोगों ने इसे लाइव देखा तो कुछ लोगों ने कैमरे की नजर से। इस समय अल्मोड़ा से अनिल सनवार,